The boundless sky ablaze overhead. Setting sun has made it red. Alone I wander as a restless soul, amidst thousands peacefully lying dead. Those thousands, only God knows best. Whence they came to inhabit this place, having no name, no clue to identity, leaving no word to find their trace. Just piles of gritty yellow stones, one after one to the infinity, mystifying the inexplicable air at rendezvous of mortal destiny. The piles of stones, like pyramids, stand to crown the unknown head. In carving art, if they surpass, of what avail to all those dead? The artisans who toil their sweat to create a beauty by chiseling stones, their art survives, but they themselves long turn to naught with withered bones. मकली एक ऐसा नेक्रोपोलिस है जो अगर दुनिया में सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में एक है, जो बहुत ही दूर तक फैला हुआ है। इसके एक्सपांस या जगह में बड़ी ज़्यादा जगह घेरने के अलावा, इस नेक्रोपोलिस में, मकली में, एक खसूसियत ये है कि इसमें आप आर्किटेक्चर मुख्तलिफ वक्तों के आर्किटेक्चर में ट्रेवल करते हैं। मेरा जो ओपिनियन है वो ये कि जैसे कि हमें पता है कि कैपिटल था ऑफ कोर्स, तो वहाँ पर उमरा रहते थे, रूलर्स थे, उनके कब्रिस्तान तो एक अलग ही उनकी शान होती है। तो जो ये कब्रें थीं, इसमें आपको फ्यूडल ईगो बहुत नज़र आती है कि जैसे ये नहीं था कि जब बंदा मर गया तो वो कब्र बनाई गई है, वो अपनी लाइफ में भी वो कब्र बना लेता था और उसके ऊपर फखरिया लिखा जाता था कि इस कब्र के बनाने में इतना खर्चा हुआ है। ये तो एक बात तो है कि ये साइट बहुत ही अहम है, और उसकी अहमियत किसी और वजह से है जिसका जिक्र बाद में आएगा, लेकिन हमने उसकी उस स्ट्रांग पॉइंट को, उसके उस मौजजा नमा कैफियत को हमने कभी साइटेशन में नहीं जिक्र किया। इस नेक्रोपोलिस में, इस कब्रिस्तान में आपको हिंदू आर्किटेक्चर भी मिलता है, इसलिए कि शुरू में जो काम करने वाले लोग थे वो हिंदू ही थे, जिनसे आप मुख्तलिफ जो है बिल्डिंगें बनवाते थे, इमारत तामीर करवाते थे, तो उनका आर्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि एकदम से मुस्लिम आर्ट वहाँ पे आ जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको जो ख़ास ख़ूबी इस नेक्रोपोलिस की है, इस कब्रिस्तान की है, वो ये है कि कुछ मज़ारात जो हैं उनमें हिंदू आर्किटेक्चर भी मिलता है, और फिर आहिस्ता 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 वो चेंज होते हुए मुस्लिम आर्किटेक्चर अपनी ख़ास एक शक्ल ले लेता है। जैसे अगर हम शुरू से इस एरिया को स्टडी करते हैं तो सीथियंस आए, ग्रीक्स आए, पार्थियंस, कुशांस, वो सारे के सारे एनिमल फिगरीन्स और ह्यूमन फिगरीन्स को डिपिक्ट कर रहे थे। और हिंदू शाहीज़ के ज़माने में जब महमूद गजनवी आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक कम्प्लीट चेंज आ रहा है। और इधर सिंध में
अरब गवर्नर्स ऑफ मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो आए अरब गवर्नर्स हु वर रूल्ड बाय अब्बासिड्स एंड उमय्यड्स, तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आती है कि जो ह्यूमन फिगरीन्स थी वो कम्प्लीटली गायब हो गई हैं और उसकी जगह में कैलीग्राफी ने ले ली। तो फिर उन्होंने इस आर्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू करी, क्योंकि एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये था कि ह्यूमन फिगरीन्स को आप डिपिक्ट नहीं कर सकते हो ना बींग अ मुस्लिम, तो सारा का सारा जो जोर था वो कैलीग्राफी पर उन्होंने फोकस कर दिया। मकली से मेरी शनासाई बहुत पुरानी, आप देखेंगे कि इसमें कब्रों के अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं और स्ट्रक्चर्स की इतनी एक वैरायटी है कि जहाँ पर टूम बिल्डिंग्स भी हैं तो इनक्लेव्स भी हैं, प्लेटफॉर्म्स भी हैं, छतरियाँ भी हैं, तो एक पूरी वैरायटी है जिससे पता चलता है कि आपके सामने अरसा 400 साल के मुख्तलिफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस और स्टाइल्स प्रैक्टिस हो चुके हैं। अर्ली पीरियड के जो मज़ारात हैं, टूम्स हैं, उन पे हिंदू आर्किटेक्चर का ख़ासा असर है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हिंदू आर्किटेक्चर को मुसलमानों के टूम्स में अमलगमेट किया गया है। ये जो आर्ट है हिंदू अमलगमेशन का मुस्लिम आर्किटेक्चर के साथ, ये अपने उरूज को पहुंचता है जाम निज़ामुद्दीन के मकबरे पे। इसके अलावा यहाँ पे कैनोपी स्ट्रक्चर मिलते हैं जिन पे कैनोपीज बनी हुई हैं। ये तुगलक सुल्तान 14वीं सदी ईसवी से मिलता है, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है। फिर एक और फीचर जो टूम्ब आर्किटेक्चर में माइलस्टोन की तरह एक डेकोरेशन आर्ट के तौर पे है, वो है टाइल वर्क। ये स्टाइल जो है ये सिंध में मुगल गवर्नर्स, इंपीरियल गवर्नर्स के पीरियड में आपको बहुत आम मिलता है। ये ख़ास तौर पे इसकी डिपिक्शन जो अपने उरूज पे मिलती है आपको, वो है मिर्ज़ा ईसा खान तरखान, और ख़ास तौर पे मिर्ज़ा ईसा खान तरखान दोएम के मकबरों से मिलता है, जिनको के 1640 और 1644 के दरमियान में बनाया गया था। कि आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल वही बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हमें उस चीज़ की डेटिंग बता रही होती हैं, जो कि अगर आप डेट लिख रहे हों तो। इसी तरह से इन कब्रों की भी कहानी है कि अगर आप देखेंगे कि ये तो बिल्कुल क्लासिकल टाइम पीरियड है तो ये 17th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स है। तो आर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डेटिंग के लिए, हम आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, फ्रॉम अ वेरी सिंपलर शेप अप टू अ वेरी ब्यूटीफुल क्लासिकल ग्रेव। तो उसमें हमें ये पता चला कि ना सिर्फ ये पैटर्न की वजह से हम इनको डेट कर सकते हैं, बल्कि जो उसके ऊपर एक ख़ास सेंटेंस लिखा हुआ है, जब आप उसको डिसाइफर करें हर्फ अबजद के हिसाब से, तो उसकी डेट एग्जैक्टली वही निकल रही थी जो कि हमने उनके पैटर्न के बेसिस पे निकाली थी। खूबसूरती ये है कि जब अबजद के हवाले से कतात तारीख लिखी जाती हैं तो उसमें ये चैलेंज शायर अपने तौर पे लेता है कि मैंने एक ऐसे अंदाज से कत तारीख लिखना है कि जिसमें वो वाक़या भी उसमें कहीं ना कहीं से इशारा पाता हो, साथ हो साथ उस कत तारीख में वो जो विश और दुआ होती है कि खुदा करे कि ये जन्नत में जाए और इनकी मगफरत हो जाए, तो वो भी उसमें शामिल हो। तो वो कत तारीख लिखने वाले की अपनी जो कैफियत होती है वो ये होती है कि इन सारे मज़ाहिर को वो उसमें डालना चाहता है, लाना चाहता है, साथ साथ वो अपनी इंडस्ट्री को शायरी के अंदर जो उसकी अपनी सनत है, जो उनकी अपनी कारीगरी है, वो भी वाज़े करना चाहता है। उस शायरी में जो भी अल्फाज हैं उनके अंदर जो हरूफ हैं, हर हरफ को अबजद के हिसाब से एक वैल्यू असाइन किया गया है। अब शायर हजरात अपनी महारत को दिखाने के लिए ऐसे अल्फाज चुनते हैं जिनसे आपकी गिनती पूरी बयान ही उस सन तक पहुंच जाती है।
कम सिन की फोतगी होती है और वो उन पर साल विसल कहा गया है। लेकिन उस तारीख कहने में जो शहर बना है उस शहर में एक वजन भी पैदा किया गया है और गिनती को भी पूरा किया गया है। दम बदम बादा बाऊ हाफिज अली। अब ये साल विसल जो ऊपर का मिसरा है बताता है कि उसके लिए ढूंढने के लिए पूछा गया और दिल ने कहा कि दम बदम बादा बाऊ हाफिज अली, और उससे वो पूरी कंप्यूटेशन हो गई। आपने देखा कि 1206 का सन जो है वो गिनती में निकल आया। अब गैरत खान की कब्र के हवाले से देखिए उन्होंने कितना खूबसूरती से जो है उसको कम करने का तरीका निकाला है कि हरफ तारीख अज बयान नाम गैरत खान बरार। कहते हैं कि गैरत खान नाम से आप तारीख को कतअ कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको सन वफात मिल जाएगा। तो ये इशारा भी उसी में पिन्हा रहता है। और तो वो कंपोज़र जो है, वो जो शायर है, वो अपनी महारत को हमें इसी तरह से दिखाता है। अब यहाँ पर जो है बड़ा खूबसूरत जुमला है, बिजुस्तम अज खिरत तारीख उ गुफ्त मापुरस अजमान बेपुरस अज दाग दिल हो। कहता है कि मुझसे न पूछिए उस वफात की तारीख, दिल के दाग से पूछ लीजिए। अब वहां इशारा कर रहा है कि दिल के दाग से पूछ लीजिए, यानी दाग दिल हा, वो इशारा करके उसको महदूद कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि आप पूरी जो आखिरी लाइन है उसको आप कह रहे हैं, उसमें उसने पिन्हा कर दिया। मापुरस अजमन यानी इसको गिनती भी ना लाओ, साथ साथ शायरी में कह रहा है कि मुझसे ना पूछिए। तो ये एक खूबी है शायर की कि उसने अपनी महारत को यहां पर इस्तेमाल किया। और अब आप इससे सोचें कि 1045 का सन अगले को याद रहे या ना रहे, लेकिन अगर दाग दिल हा तो बड़ा आसान है कि आप कहेंगे कि जनाब उनका साल वफात क्या है, तो कह देंगे जनाब दाग दिल हा। जैसे साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में कहा है, ताजमहल के नक्काशों के बारे में, ताजमहल पे काम करने वालों के बारे में कहा है कि जिनकी नक्काशी ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, उनके मकाबर रहे बेनाम निशान। कि ये कब्रें जो खूबसूरत बनी हुई हैं, ये मकाबर जो खूबसूरत बने हुए हैं, इनको भी किसी ने बनाया होगा। वो बनाने वाले जो हैं उनके नाम का किसी को पता नहीं है, सिर्फ सुल्तान अमीर या बादशाह के नाम का पता है। ये आप लाजमी तौर पे महसूस करेंगे कि खूबसूरती उस बादशाह ने नहीं बनाई, उस अमीर ने नहीं बनाई, वो कारीगर ने बनाई है। लेकिन कारीगर कौन थे हमें उनका भी कोई पता नहीं है, वो बेनाम और निशान है आजकल।